प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का सामना कर रहे तीनों आरोपियों आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई, कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी का 6 दिन की रिमांड गुरुवार को खत्म हो गई, लेकिन आज तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आज तीनों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है। इससे पहले शुक्रवार की दोपहर ईडी ने आईएएस समीर बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया था। दोनों पक्षों में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद कोर्ट ने समीर की 6 दिन की रिमांड बढ़ाने के आदेश दे दिया था। ईडी की तरफ से दोपहर को कोर्ट में यही मांग की गयी थी। कोर्ट में समीर के अलावा 2 और कारोबारियों सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी को भी पेश किया गया था। उन्हें भी कोर्ट ने रिमांड पर भेजा था। आईएएस बिश्नोई पिछले 15 दिनों से ईडी की रिमांड में थे। आईएएस समीर बिश्नोई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में गिरफ्तार किया था। इनके साथ ही कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी को भी पकड़ा गया था।